वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। मैं दुलारचंद दास स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दुलार में। तो आज हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये चतुर्थ किरण, इसका मतलब है चैप्टर 4 बालक पाणिनि, एक छोटा बच्चा जिनका नाम था पाणिनि। आप इसको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस बच्चे का नाम है पाणिनि। तो ये बहुत ही तेजस्वी बच्चा था। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, गुरुकुल में एक बालक आया। बहुत पुरानी बात है, गुरुकुल में जहाँ पे जिस प्रकार से हम लोग आज स्कूल जाते हैं उसी तरह एक छोटा बच्चा वहाँ आश्रम में पढ़ने के लिए आया। ऋषि मुनि बच्चों को अपने आश्रम में शिक्षा देते थे। गुरु ने उसे अपना शिष्य बनाया और गुरुजी उनको अपना शिष्य बना लेते हैं, अपना स्टूडेंट बना लेते हैं। जो आज के डेट में हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं वही शिष्य होता है। बालक पढ़ने लगा वहाँ पर गुरुजी के आश्रम में। बालक ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, पर वह पढ़ने में कमज़ोर था। अभी भी हम लोग देखते हैं स्कूल में कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ बच्चे तेज होते हैं और कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं। उसी तरह से यह बच्चा पढ़ने में कमज़ोर था। एक दिन गुरुजी की दृष्टि उसकी हथेली पर पड़ी, वे एकटक देखते रहे। एक दिन पढ़ाई के समय गुरुजी ने उनका हाथ देखा और देखते ही रह गए। बालक को अचरज हुआ जब इस प्रकार से गुरुजी ने उसके हाथ को देखते रहे, तो बालक आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर बात क्या है। फिर गुरुजी बोलते हैं, तेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, हमारे हाथों में कई लकीरें बनी होती है। गुरुजी उसके हाथ को देखकर बोलते हैं, तुम्हारे हाथ में तो विद्या की रेखा नहीं है। यह सुनकर बालक को दुख हुआ। बालक जब यह सुना उसे काफ़ी दुख हुआ, पर वह चुपचाप रहा। लेकिन वह बोल भी क्या सकता था, वह चुपचाप रहा। रात में गुरुजी की बात पर सोचता रहा। वह रात में सोचने लगा कि आखिर जब मेरे हाथ में रेखा नहीं है तो फिर क्या होगा, क्या वह पढ़ नहीं सकेगा, क्या वह अनपढ़ रह जाएगा। इस तरह के विचार उसके मन में आने लगा कि वह नहीं पढ़ने सकेगा, अनपढ़ रह जाएगा, क्या होगा, वह मूर्ख बनकर नहीं रहेगा। जब इस प्रकार विचार उसके मन में आया, वह कुछ कठिन फैसले लेने लगा। वह मूर्ख बनकर नहीं रहेगा ऐसा वह सोचने लगा, वह पढ़ेगा, वह विद्या की रेखा बना देगा, भाग्य को बदल देगा। वह इस प्रकार सोच रहा था। दूसरे दिन वह गुरुकुल पहुंचा। गुरुजी ने देखा कि बालक उदास नहीं है। वह अगले दिन वह गुरु के आश्रम में पहुंचता है, तो गुरुजी उसको देखते हैं कि हो सकता है ऐसी बात बताने के बाद वह उदास होगा, लेकिन वे देखते हैं बालक तो उदास नहीं है, उसके मुख पर चमक है, वह खुश है। पर उसकी हथेली में खून लगा है, उसकी हथेली से खून निकल रहा था। गुरुजी ने पूछा, तुम्हारी हथेली में खून कैसे आ गया, क्या कट गया है, पीड़ा हो रही होगी। तो गुरुजी उससे पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ में ये खून कैसे लगा, कहीं कट गया है क्या, निश्चित रूप से दर्द भी हो रही होगी। बालक ने उत्तर दिया, मैंने छुरी से विद्या की रेखा बना दी है, अब मैं जरूर पढ़ूंगा। बालक बोलता है, विद्या की रेखा मेरे हाथ में नहीं था, इसीलिए मैंने छुरी से अपने हाथ में विद्या की रेखा बना दी है, अब तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा। गुरुजी बालक की बात सुनकर चकित रह गए। गुरुजी ने जब बालक की बात को सुना तो वह अचंभित रह गए, बहुत प्रसन्न हुए और आशीष देते हुए कहा, कठोर अभ्यास से रेखा बना सकते हो, भाग्य बना सकते हो। गुरुजी उसको आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं कि कठोर अभ्यास से, कठोर परिश्रम से हाथ में रेखा बना सकते हो, अपने भाग्य को बदल सकते हो। वही बालक अपने कठिन श्रम से विद्वान बना। वह बालक बहुत मेहनत करके एक विद्वान बन गया, उसका नाम था पाणिनि। इसी बालक का नाम पाणिनि था।
इसी ने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा था। सभी भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। इंग्लिश का ग्रामर होता है, हिंदी का व्याकरण होता है, संस्कृत का भी व्याकरण होता है। संस्कृत भाषा में जो व्याकरण लिखी गई है वह इसी बालक ने लिखा था। हम लोग देख रहे हैं यह चैप्टर समाप्त हो गया है। यह बहुत ही रोचक कहानी था। हमें भी पाणिनि की तरह मन लगाकर मेहनत से पढ़ाई करना चाहिए। शब्दार्थ इस चैप्टर में दिए हुए हैं, इसको आप लोग पढ़कर याद कर लेंगे। दृष्टि, नज़र, भाग्य, किस्मत, पीड़ा, दुख, आश्चर्य, चकित, अचरज, प्रसन्न, खुश, श्रम, मेहनत, इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। 1 नंबर में और 2 नंबर में ये सही जोड़े मिलाओ, इसको मिलाने के लिए दिया गया है। तो आइए मैं आप लोगों को इसको बना कर दिखाता हूँ। यह चैप्टर 4 बालक पाणिनि का प्रश्न उत्तर है। गुरुजी ने बालक की हथेली को देखकर क्या कहा? गुरुजी ने बालक की हथेली को देखकर कहा, तेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। बालक ने क्या फैसला किया? बालक ने फैसला किया कि वह मूर्ख नहीं रहेगा, वह पढ़ेगा, विद्या की रेखा बना देगा, भाग्य को बदल देगा। बालक ने क्या किया? बालक ने छुरी से हथेली पर विद्या की रेखा बना दी। गुरुजी ने क्या आशीष दिया? गुरुजी ने आशीष देते हुए कहा, कठोर अभ्यास से रेखा बना सकते हो, भाग्य बना सकते हो। बालक क्या बना? बालक अपने कठिन श्रम से विद्वान बना। सही जोड़े मिलाओ, 2 नंबर में जो जोड़े मिलाना था वो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसका आंसर दिया हुआ है। आप प्रश्न बुक से देखकर इसको बना सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से ज़रा भी हेल्प मिलता है तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं।